नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूकेजी के चैनल में। और आज की जो हम करंट अफेयर्स डिस्कशन करने वाले हैं वो है आपकी 30 नवंबर 2017। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, किन्हें नेशनल एंटी प्रॉफिटेयरिंग अथॉरिटी का पहला चेयरमैन बनाया गया है? तो आपके ऑप्शन हैं बी एन शर्मा, प्रीतम सिंह, प्रदीप सिंह खैरोला, और इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका बी एन शर्मा। वरिष्ठ नौकरशाह यानी कि बद्री नारायण शर्मा जी को जीएसटी व्यवस्था में राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण यानी कि नेशनल एंटी प्रॉफिटेयरिंग अथॉरिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये एक अथॉरिटी सेट की गई है इसी महीने, नवंबर के महीने के लास्ट पे। और ये इसलिए सेट की गई है क्योंकि 1 जुलाई 2017 से जो कि जीएसटी पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया था, तो उसके बाद क्या कि कई सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा था कंज्यूमर को जो कि उपभोक्ता हैं। और ये ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि कई सारी चीज़ों में जो कि टैक्स है, जीएसटी है, उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के लोगों से वसूल किया जा रहा था। तो जिसके चलते जो है कि काफ़ी शिकायत मिल रही थी इस समय जो हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो उन सबको रोकने के लिए इस अथॉरिटी का गठन किया गया है। और ये इसके साथ जो है आगे जो भी जो जीएसटी के तहत जो घटती या बढ़ती जो भी दरें होंगी उन सब की शिकायतों को ये जो है एक अथॉरिटी जो है इसको सुनेगी और उसका जो है एक निर्माण जो कि एक अलग तरीके से उसका निवारण करेगी। तो इस पे जो है आपके बी एन शर्मा जी को चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, किन्हें राष्ट्रीय अभिलेखाकार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे जो कुछ उनके ऑप्शन हैं वो आपके बी एन शर्मा, वो तो आपको पता ही है कौन है इस समय, और प्रीतम सिंह, प्रदीप सिंह खैरोला, और या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। यानी कि जो नेशनल अचीवर है उसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उन वो किन को इस समय अपॉइंट किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका बी यानी कि प्रीतम सिंह जी को, जो कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में तैनात हैं। और प्रीतम सिंह जी को राष्ट्रीय अभिलेखाकार के महानिदेशक भी अब होंगे। तो ये जो नेशनल आर्चीव जो एक म्यूज़ियम है ये एक्चुअली बना था आपका 11 मार्च 1891 में, जो कि कलकत्ता पे है। ये उस समय बनाया गया था अंग्रेज़ों के ज़माने में, और इससे क्या होता था कि अभी भी इसका इस्तेमाल होता है और जो भारत की कई सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे इसको सुरक्षित रखा जाता है। आपके चाहे वो प्राचीन एंसेंट के टाइम से चलते हुए आए डॉक्यूमेंट हो या फिर कोई हिस्ट्री से जुड़ा हुआ या फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमारे भारत का, वो इसी जगह रखा जाता है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं अगला नया क्वेश्चन। तो वो है आपका, एक किन्हें एयर इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके बी एन शर्मा जी, जो कि अब आपको पता ही है, प्रीतम सिंह जी वो भी आपको पता है कौन है इस समय, और प्रदीप सिंह खैरोला या इनमें से कोई नहीं। तो आप आंसर आप जान चुके होंगे कौन है, यानी कि प्रदीप सिंह खैरोला जी, जो कि केंद्र सरकार ने जिनको 28 नवंबर 2017 को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं प्रदीप सिंह जी को एयर इंडिया के अध्यक्ष के और प्रबंधक यानी कि सीएमडी के पद पर नियुक्त किया है। तो यहाँ पे चलते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि भारत सरकार द्वारा किस देश के परिवहन मंत्रालय को $2.87 मिलियन यानी कि करीब 18.5 करोड़ रुपये का वित्तीय सहयोग प्रदान की जाएगी? तो ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, मलेशिया। तो पाकिस्तान तो किसी कीमत से हो नहीं सकता, नेपाल या अफगानिस्तान या मलेशिया, तो आप बताइए। तो उसका जो सही आंसर है वो है अफगानिस्तान। भारत सरकार द्वारा अफगानिस्तान को $2.87 मिलियन यानी कि करीब 18.5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये वित्तीय मदद अफगानिस्तान के परिवहन मंत्रालय को ही मिलेगी। अगला क्वेश्चन है आपका, रोहिंग्या मुद्दे पर किन से ऑक्सफोर्ड सम्मान वापस लिया गया है? और आपका ऑप्शन है आंग सान सू की, थिन सेन, चाउ एन लाई, या इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है आपका आंग सान सू की, और जो कि म्यांमार के स्टेट काउंसलर हैं, और इनसे ये अवार्ड ले लिया गया है वापस जो कि उन्हें मिला था 1997 में, करीबन 20 साल बाद उनकी जो कई सारे डिसीजंस रहे हैं रोहिंग्या जो मुसलमान हैं और उन पे कई सारे उन्होंने अत्याचार किया है, इस बात को साबित हुआ है, इस वजह से उनसे अवार्ड वापस लिया गया है। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो आपका, 28 नवंबर 2017 को किस राज्य में सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई? तो मणिपुर, उड़ीसा, केरल या तमिलनाडु। आपका जो सही जवाब है वो आपका मणिपुर है, और इस पे क्या है कि प्रधानमंत्री जी ने सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य की जो शुरुआत की है वो है आपकी मणिपुर में, और इसके साथ जो है और जो मणिपुर की लगभग
पौने 2 लाख लोग जो हैं, पौने 2 लाख परिवार जो है उनको इस सुविधा का लाभ मिलेगा। करीबन जिसपे से 1.62 लाख परिवार जो है ग्रामीण क्षेत्र के आते हैं और 0.13 लाख जो है शहरी परियोजना के। तो इस योजना में क्या है कि सबको मुफ्त बिजली दी जाएगी जो कि बीपीएल सीमा से नीचे नीचे है, और इसका जो सर्वे किया गया था 2011 तक, तो उनको इस लाभ मिलेगा। और जो है आपके उसके बाद वाले जो सर्वे किए गए हैं उनको करीबन 500 रुपए के हिसाब से जो है उनका कनेक्शन लगेगा, जिसपे उनको काफी सब्सिडाइज यानी के हिसाब से फ्री में ही बिजली मिलेगी। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किन्होंने भुगतान बैंक यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का ऑफिशियल रूप से इसका लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है आपके नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, रघुराम राजन या अरुण जेटली। तो उसका सही जवाब है डी यानी कि अरुण जेटली जी। इन्होंने क्या है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो है ऑफिशियली रूप से लॉन्च किया है। इससे अभी पहले क्या था कि ये एक तरीके का बैंक है, इस तरीके के बैंक इस समय भारत में 4 है, जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और फाइनो पेमेंट बैंक, तो ये 4th बैंक है। तो किस इंश्योरेंस कंपनी ने बीमा खाता लॉन्च किया है? तो आपका ऑप्शन है इंडिया फास्ट लाइफ इंश्योरेंस, बजाज आलियंस, पेटीएम इंश्योरेंस, इंडिया फास्ट लाइफ इंश्योरेंस। ये जो एक कंपनी है, ये कंपनी आपका पब्लिक सेक्टर एक जॉइंट वेंचर है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा और आंध्र बैंक का, जिसके सीईओ हैं आरएम विशाखा। तो इन्होंने ये जो है कि एक स्कीम लॉन्च करी जीवन बीमा की है, और ये जो स्कीम है काफी यानी कि जो ग्रामीण है उनको अपनी जरूरत के हिसाब से उनके हिसाब से इनका प्रीमियम भरने की सुविधा इसकी जो है प्रदान की है। तो फिलहाल की आज की अपडेट यही थी, मिलते हैं आपको एक नई अपडेट के साथ, बने रहिए मेरे से चैनल में। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड बाय बाय।